स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के सेशन से में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपका सीएसीएमए फाउंडेशन एमबीए टेट नेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 से स्टार्ट करेंगे, 80 तक मैंने करवा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट है 81 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पर इनमें से कौन नहीं है। देखिए तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जो कि बिजनेस एंटिटी है ना, यहाँ पर मैंने बताया था आपको बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं है ना गणेश, और मेरा दुकान है उसका नाम है गणेश स्वीट्स, है ना गणेश स्वीट्स। तो ये गणेश स्वीट्स जो हो गया ये आपका हो गया एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, और ये हो गया पर्सनल अकाउंट है, ये तो मैं हूँ है ना। लेकिन मेरा ये हो गया गणेश स्वीट्स, इसमें क्या मैं दूंगा, इसमें मैं कैपिटल दूंगा, है ना, समझ में आया है। तो और इसमें मान लीजिए बाहरी मेरा कैपिटल यदि कम पड़ जाता है तो मैं किसी से उधार में पैसा ले लेता हूँ, है ना, लोन ले लेता हूँ, है ना, ये चीज़ आता है। तो ये गणेश स्वीट्स जो है वो आपका एंटिटीज है, समझ में आया। लेकिन और यहाँ पर दिया हुआ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और रिलेशन कंसेप्ट। रिलेशन कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जो वसूली किया जाता है, समझ, जैसे कि उसको सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए 1 लाख का संपत्ति है, एसेट्स है आपका, उसको 1.5 लाख में बेच रहे हैं या तो 80 हज़ार में बेच रहे हैं, वो रिलेशन कंसेप्ट होता है। लेकिन हाँ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या आता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है आपका कि वैसा ट्रांजेक्शन जो मनी का टर्म में आप इसको मेजर कर सकते हैं, है ना, उसे आप अकाउंटिंग में आप उसका रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है वो अकाउंटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो होगा ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ये होगा आपका गोइंग कंसर्न, है ना, डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग का कन्वेंशन जो है डिस्क्लोजर, मतलब कि फुली आपको रख देना है अकाउंटिंग में, मतलब ए से लेकर जेड तक जो होता है पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखना है, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार जिसको बोलते हैं, और गोइंग कंसर्न मतलब कोई भी बिजनेस जो होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि स्टार्ट किए तो लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक, है ना। तो ये लाइफ टाइम के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न जो होगा ये एक अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी का। तो यहाँ पे देखिए गोइंग कंसर्न जो है वो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, कन्वेंशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर द करेंट कॉस्ट मेजरमेंट देन द एसेट्स आर रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, ये क्या होगा, एट द कॉस्ट एक्वाइजेशन, एट द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अमाउंट दैट वुड बी रियलाइज बाई सेलिंग द एसेट्स और द वैल्यू ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एक्वायर द एसेट्स और डी में दिया नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर होगा द वैल्यू ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एक्वायर द एसेट्स, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 83 कंप्लीट, 84। इफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट देन द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट, तो यहाँ पे एसेट्स रिकॉर्डेड किया जाएगा किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर द वैल्यू एट द दे आर रिक्वायर्ड और द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द एसेट्स द अमाउंट दैट वुड बी रियलाइज बाय सेलिंग द एसेट्स और नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर होगा द वैल्यू ऑफ द वैल्यू एट विच दे आर एक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एज पर द रिलेशन वैल्यू मेजरमेंट बेस द लाइबिलिटीज आर वैल्यूड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एट द वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन एट द प्रेजेंट वैल्यू द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर होगा द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज, इसका ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा,
86 क्वेश्चन देखिए, एज पर द करेंट कॉस्ट मेजरमेंट द लायबिलिटीज आर वैल्यूएट एट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अनडिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ केस रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करेंटली, इसका राइट आंसर। ठीक है, एज पर द प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट बेस द लायबिलिटीज आर वैल्यूएट एट, तो यहाँ पे होगा सम ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लोस एट द प्रेजेंट सेटलमेंट वैल्यू नन ऑफ दिज, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सम ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस। ठीक है, देखिए इसका कहना क्या है, जो देखिए अभी मान लीजिए कोई भी एसेट्स होता है या तो प्लांट है बिल्डिंग है, यदि उसका वैल्यू अभी 10 लाख रुपया है तो 10 साल बाद उसका वैल्यू हो जाए 50 लाख। ठीक है, 10 साल बाद उसका वैल्यू जो हो जाएगा 50 लाख, तो आपको प्रजेंट वैल्यू मेजरमेंट करना है, तो उसको 50 लाख में से आपको 10 लाख में आना है, तो वो कैसे आएंगे आप, तो वो आप प्रजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है ना ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस, फ्यूचर कैश आउटफ्लो मतलब इससे जो हम लोग क्या डिस्काउंट करते करते अभी प्रजेंट वैल्यू में आएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए बता रहा है सम ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोस, ये इसका राइट आंसर। आई होप क्लियर है। 88 क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 यहाँ पे देखिए, एज पर द प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट बेस द एसेट्स आर रिकॉर्डेड और वैल्यूएटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ पे होगा सेम प्रेजेंट डिस्काउंटेड नेट कैश इनफ्लोज है ना, सेम प्रेजेंटेड, ये क्या होगा, मान लीजिए अभी उसका वैल्यू है 1 लाख रुपया और 10 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 लाख रुपया, तो यहाँ से आपको मतलब फ्यूचर, ये क्या है आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में इसका वैल्यू 10 लाख है और प्रेजेंट में इसका मान लीजिए अभी इसका वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख और ये हो गया 10 लाख, तो आप 10 साल बाद यहाँ पे 10 लाख से 1 लाख में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्काउंट करते करते जाएंगे, पहले यहाँ से डिस्काउंट करेंगे, फिर देखिए डिस्काउंट करते करते आप इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है सम ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड नेट कैश इनफ्लो, समझ में आया, यानी कि प्रेजेंट में हम लोग डिस्काउंट करते प्रेजेंट में आएंगे, समझ में आया। चलिए 88 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो 89 एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम अनएक्सपायर्ड इनकम एक्स्ट्रा इज डन टू इंजर कंप्लायंस विथ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये रिवेन्यू मैच कंसेप्ट आता है, रिलेशन कंसेप्ट में नहीं, कंसेप्ट में नहीं आता है, कॉस्ट कंसेप्ट में नहीं, रिवेन्यू मैच कंसेप्ट इसका राइट आंसर होगा। रिवेन्यू मैच कंसेप्ट इसका मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट है ना यहाँ पे देखिए, ये है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जो छोटा मोटा खर्चा है, एक्रूड इनकम अनएक्सपायर्ड इनकम, ये सारे जो है आपका रिवेन्यू में आता है, रिवेन्यू कॉस्ट कंसेप्ट में आता है, और जो लंबा मतलब लंबे समय के लिए होता है उसको कैपिटलाइज में कैपिटल में रखते हैं हम लोग है ना, लेकिन यहाँ पर रिवेन्यू मतलब क्या होता है शॉर्ट में, और तो रिवेन्यू कंसेप्ट का मतलब होता है डे बाय डे जो हम लोग खर्च करते हैं उसको रिवेन्यू कंसेप्ट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये किस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, तो ये आपका रिवेन्यू मैच कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, इसका राइट आंसर होगा 89 का। अब 89 इफ द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस टैक्स गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज है ना, देखिए प्रोप्राइटर क्या कर रहा है यहाँ पर, बिजनेस से कुछ सामान अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, देन विच फॉलोइंग इज नॉट टू बी अफेक्टेड, तो यहाँ पे किस पे अफेक्ट नहीं किया जाएगा, एसेट्स में, कैपिटल में और लायबिलिटीज में, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे लायबिलिटीज में अफेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटर जो होता है ना, बिजनेस से कोई गुड्स या तो कोई एसेट्स यदि वहाँ से निकालता है मतलब अपना पर्सनल यूज के लिए लेता है, ड्राइंग करता है, तो एसेट्स यदि ड्राइंग करेगा तो एसेट्स का एसेट्स में क्या होगा, डिक्रीज होगा है ना, और कैपिटल यानी कि कुछ रकम निकालेगा तो उसका कैपिटल से होगा डिक्रीज करेगा कैपिटल, लेकिन लायबिलिटीज में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, लायबिलिटीज उसका जो है वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, इसका वही पूछा था आपको
कि प्लमिंग इज नॉट बी अफेक्टेड, तो किस में अफेक्ट नहीं किया जाएगा? देखिए नॉट बी अफेक्टेड, तो लाइटिस में कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा, इसका राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट होता है यहाँ इस वीडियो में। जय हिंद।